ये पकड़ लिया मिट्टी हो जमुना। आम के पेड़ के नीचे देखिए जो है बनाया जा रहा है मैगी। तो आज आप कटीले पर्वत तोड़ रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? नल बिगड़ गया यार, देखो इसका एक कील जो है खो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चीपू जायसवाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आ चुके हैं भैया त्रिलोकी चाचा की बाग में, वहाँ पे हम लोग आम खाने आए हैं। त्रिलोकी चाचा ने इनवाइट किया है, तो चाचा और चाची भी आ रहे हैं, उनको भी दिखाएंगे। किट्टू भी है साथ में आज, मिष्टी है, परी है, परिधि है और हर्षित है। तो सारे लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी इंजॉय करो। तो क्या हो गया? अरे इनको भी पेड़ पे चढ़ना, देखिए कुछ लोग पेड़ पे चढ़ गए हैं यहाँ पर। देखिए मिस्टिंग मम्मी चढ़ी है और हर्षित। अरे यार आराम से, कहीं गिर ना जाओ नीचे यार। भैया देखो देखो आराम से, पेड़ गीला है, देख के आराम से। तो हर्षित तुम उतर आओ नीचे, मिस्टी भी रो रही चढ़ने के लिए, तो मिस्टी नहीं चढ़ पाएगी। हाँ तोड़ो आम, तोड़ो, दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। मिल गया भैया, आ जाओ नीचे आ जाओ। तो दोस्तों त्रिलोकी चाचा और चाची भी आ चुकी हैं, देखिए यहाँ पर। अरे यहीं बैठो आराम से यार, अपना बंगला पड़ा एकदम मस्त। बहुत देर में आया यार, भजा हम पहले आ गए थे यार। सारी व्यवस्थाएं जो है बाग में कर रहे हैं त्रिलोकी चाचा। देखिए छोटा सा घर बना हुआ है, उसमें जो चारपाई लगाए हैं बढ़िया, और बच्चे जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये मिष्टी भी खड़ी है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो मिष्टी कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है? हाँ तो इनको अच्छा लग रहा है। तुमको कैसा लग रहा है परिधि? अच्छा तुमको कैसा? किट्टू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए सब अंदर जो है चारपाई और तखट डलवा दिए हैं, छोटे से ये जो कच्चा घर बना है छोटा सा। चाची ये बताओ कि आज ये चाची और भाभी वाला क्या मैटर है, जरा बताएं इसके बारे में। चाची क्यों कहते हैं भाई? अरे यार चाची पहले से कह रहे हैं तो मुँह से चाची निकल रहा है। बताओ पालू बताओ, सबको भाभी कहते हैं। तो अरे आज से भाई साहब रिश्ता बदल जाएगा। हेलो त्रिलोकी जी। दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार हमसे। त्रिलोकी चाचा ने कहा था कि आप छोटा सा सिलेंडर लेके आना, हम लोग वहीं बनाएंगे मैगी, तो अब सिलेंडर हम भूल गए लाना। तो चाची हमारे लिए देखिए घर से मटर बना के लाई है, तो प्याज हरी मिर्च पड़ा हुआ बढ़िया जबरदस्त, और साथ में लाई है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स कुरकुरे। तो हम लोग यहीं पर इंजॉय करेंगे, उसके बाद बनाएंगे मैगी। तो लाइए भाई, प्याज पड़ गया इसमें, लाओ खाते हैं फिर। चम्मच भी है, अरे वाह। मैगी के लिए मैं सॉस लेकर आई हूं। अरे वाह सारी व्यवस्था है चाची जी करके लाई है। लाइए, तो हमको मिल चुकी है कोल्ड ड्रिंक, बाकी लोगों को भी मिल रही है। तो जाओ हर्षित तुम भी पी लो, उसके बाद मैगी का इंतजाम करते हैं। भैया कहीं गए हैं, देखो चूल्हा वूल्हा इंतजाम करने। सारे बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पर किट्टू? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह किट्टू को भी अच्छा लग रहा है, इनको भी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बोलो, कैसा लग रहा है? अरे वाह अच्छा लग रहा है। तो सारे बच्चे यहाँ पर देखिए मटर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। देखिए वहाँ पर लग रहा है झाड़ू सफाई चल रही है। यहाँ पे बनाएंगे चूल्हा, जो ये देसी चूल्हा बनेगा यहाँ पर, लकड़ियों से मैगी बनेगी। तो मैडम चूल्हा बना रही हैं, अब चूल्हा बना के तैयार करें। देखिए मिष्टी भी ईंटा लेकर आई है चूल्हा बनाने के लिए, तो काफ़ी ये भी मेहनत कर रही है। देखो वहाँ से ईंटे उठा के ला रही है। अब किट्टू भी गई है, तो सारे लोग ईंटें उठा के ला रहे हैं। मैगी का प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रोका गया है, अभी कुछ आम तोड़ के खाएंगे ये लोग, उसके बाद मैगी बनाएंगे। खाली हिला दो पेड़, बहुत गिरेंगे यार, बहुत पके लगे हैं। पूरा पूरा पेड़ हिला दो यार। वो हाँ ये वाले सब पके हैं, तोड़ो। हाँ हाँ ये मजा आएगा खाने में यार। हाँ ये मजा आएगा खाने में। इसको कैसे तोड़ा जाए यार, मैं इसको पकड़ लूंगा। बच गया यार। हाँ आप त्रिलोकी चढ़ गए हैं ऊपर, अब हिलाएंगे पेड़, अब आम गिरेंगे इसमें से। ये सफ़ेद आम है, ये कटिंग करके खाने वाला नहीं है, चूसने वाला आम है ये। एक गिरा, उठा लो उठा लो। मिष्टी भी आम तोड़ रही है, देखो। हाँ तोड़ लो, पका पका तोड़ लो, तोड़ लो। हाँ तोड़ लो, ये वाला तोड़ लो, मिष्टी तोड़ लेगी ये वाला। अरे वाह देखो मिष्टी भी लिए हैं हाथ में आम, और किट्टू भी, और सारे लोग जो है आम तोड़ के ले चल रहे हैं उधर, वहाँ पे जो है बैठ के खाएंगे, वहाँ मैगी बनाई जाएगी, वो भी दिखाते हैं आपको। तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं बाग में बच्चे। ठीक है हर्षित आम धुल रहा है यहाँ पर। ये वाला, वो वाला लाओ ना, सफेदा वाला। हाँ जी अरे वाह दिखाओ 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 दिखाओ, हटो हटो। अरे वाह तो कितने सारे लगे हैं, देखो 2 3 4
ये दो इधर छह और ये कि सात लगे तो काफी छोटा पेड़ है देखो, मिस्टी से भी छोटा है। अरे ये मिस्टी तोड़ लेगी मिस्टी तोड़ेगी अब ये मानेगी नहीं। एक और लगाया दिखाया नहीं हमने, ये देखिए एक इधर भी लगा छोटा सा। ये जो छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं ये कटीले परवर हैं, यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कटीले परवर हैं, ये ऊपर कांटे होते हैं इसमें और काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, खाने में काफ़ी अच्छे होते हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा दिखाओ जरा किस तरह के हैं, दिखाओ जरा। ये देखिए कटीले परवर, ये हमारे यहाँ गाँव में इसको खुक्सी बोलते हैं, खुक्सी। तो आज ये सब तोड़ेंगे, ये सब चुन चुन के तोड़ रहे हैं। इधर चाचा जी भी तोड़ रहे हैं, तोड़ लो भाई तोड़ लो फटाफट। देखा कितने तोड़े हैं आपने भाई साहब, अरे वाह भाई मजा आ गया। तो ये देखिए अदरक का पेड़ है, ये जड़ में अदरक बैठती है यहाँ पर। हाँ ये खुशबू तो पेड़ों से भी आ रही है। अरे वाह यार अदरक की खुशबू एकदम। आज आप कटीले पर्वत तोड़ रही हैं तो कैसा लग रहा है आपको? पहली बार तोड़। अरे वाह पहली बार तोड़ रहे। हाँ सुबह नाश्ते में बनाएंगे। देखो ये लगा है, ये आप मिस कर गई थी इसको। कटीले परवल और पराठे जी, ये पकड़े अंदर भी लगे हैं बहुत सारे। हाँ ये देखो कितने सारे तोड़ लिए हैं, देखो ये देखो कितने सारे हो गए। तो यहाँ पे सांप मिला है, देखो सांप ये घूम रहा है इनकी बाग में, ये देखिए ये पकड़ लिया मिस्टी मिस्टी भाग गई नकली सांप है भाई मैं नहीं डरती सांप से। चलो भाई आओ सब लोग। तो काफी देर मेहनत के बाद कितना जो है कटीला पर्वत तोड़ा गया है। अरे पूरा एक देखो पूरा एक किलो तोड़ना है यार, तो काफी बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग बनाते हैं मैगी, इसको तो ले जाएंगे घर, इसको बनाएंगे कल सुबह, तो सुबह नाश्ते में इसको खाएंगे। तो काफी बढ़िया सब्जी मिल गई हरी हरी। बारिश रुक चुकी है, धूप निकल आई है, तो चारपाई को बाहर पकड़ते हैं, बाहर बैठते हैं। अब गर्मी लग रही है यहाँ पर, ले आओ भाई बाहर ले आओ। देखिए यहाँ पर चल रहा है देसी पंखा बिना लाइट के चल रहा है पंखा। हवा लग रही है, थोड़ा हवा हमें भी लगाओ यार। अरे वाह तो देसी पंखा चल रहा है यहाँ पर अभी, डीसी पंखा नहीं देसी पंखा है यार। तो तैयारी करो यार मैगी बनाओ फटाफट। अरे हाँ इनकी वीडियो बनाओ भाई जी, बताइए। हेलो गाइस करो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस करो। हाँ ये देखिए हमारे फ्रेंड हैं यहाँ पर। हेलो भाई क्या हाल है? हम लोग बगिया में आए भाई साहब जी। देखिए इतनी सारी मैगी आ चुकी है यहाँ पर, ये सब मैगी आ गई, चार पैकेट है मैगी मसाला आया है, देखिए टमाटो केचप है, तो ये सब आ गया है और इसको अभी प्रिपेयर करना है। कढ़ाई भी आ चुकी है देखिए यहाँ पर, अब वहाँ चूल्हा बन गया है, उसको जलाएंगे, उसके बाद मैगी बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे भाई। तो भाई पंखा वंखा बंद करो, मैगी बनाओ, क्यों गर्मी बहुत। हाँ अभी बहुत मेहनत की है ना, कटीले परवर तोड़ रही थी तो गर्मी लग गई है इनको। चलो ठीक है थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो देखिए तिल्लोकी चाचा जो है लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं मैगी बनाने के लिए। देखिए इनके बाग में लकड़ियाँ देखिए पन्नी के नीचे बांध के रखे हैं और ये बारिश की वजह से शायद इन्होंने ऐसा किया है, और इसके नीचे से लकड़ी निकालेंगे सूखी सूखी, तो इससे हम लोग आग जलाएंगे अभी। तो देखिए हम सिलेंडर लाना भूल गए, भट्टी लाना भूल गए, तो चक्कर में देखिए मेहनत कर रही हैं महिलाएं सभी, तो ये लकड़ियाँ तोड़ रही हैं और मिष्टी भी तोड़ रही लकड़ी। अरे वाह नहीं तोड़ पा रहे हो, अरे तो गड़बड़ हो गया। अब लगभग जो है आग लग चुकी है। तो देखिए दोनों महिलाएं जो है लगी हुई मैगी बनाने में, कितनी देर में बन जी मैगी भैया? दो मिनट में बनेगी मैगी। तो मैगी दो मिनट में बनेगी, देखते हैं भाई कितने मिनट लगते हैं इनको। अभी तो शुरुआत की है, तेल डाला गया कढ़ाई में। तो ये नल बिगड़ गया यार, देखो इसका एक कील जो है खो गया। अब ये मिल नहीं रहा, कहाँ है? यहाँ तुम सब देख लिया, ये सब ढूंढ रहे हैं, इधर देख लो तुम नीचे। हाँ देखो अब इसका जब तक वो कील नहीं मिलेगी तब तक नल चलेगा नहीं, जब ये ढूंढाई चल रही है, ढूंढो तब तक हम उधर देखते हैं। मिल गई, अरे वाह भाई साहब, लगा दीजिए लगा दीजिए। हाँ नल चालू, 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा प्याज डाला गया है, अब इसमें प्याज फ्राई हो रहा है। और ये हरी मिर्च यहीं देखिए बाग की ही तोड़े हैं हम लोग, ये इनकी बाग की हरी मिर्च है बढ़िया फ्रेश। तो आम के पेड़ के नीचे देखिए जो है बनाया जा रहा है मैगी, बढ़िया लोकेशन है यहाँ पर, धूप भी हल्की हल्की आ गई है। समय जो हुआ है इस समय
5:59 शाम के, तो दिन भी ढलने वाला है 1 घंटे बाद। और काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पे मनोरंजन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये चारपाई पड़ी हुई है, एक तख्त पड़ा हुआ है और एक ये कच्चा घर बना हुआ है और एक पक्का घर बना हुआ है बाग में। यहाँ पर जो है इनके माली साहब रहते हैं बाग में। और ये लोग देखिए यहाँ पर मैगी बना रहे हैं। पापा। जी, तो अब मिर्च डाल दी गई है, मिर्च इसमें जीरा डाला था, जीरा तो देखिए चूल्हे पर बनाया जा रहा है। आज सिलेंडर लाना भूल गए तो चूल्हे पर बन रही है मैगी। तो पहाड़ों पर जो मैगी हम लोग खाते हैं 50 रुपए का देते हैं एक प्लेट में, अब देखें यहाँ कितने का मिलने वाला है। यहाँ कितने का है प्लेट? 70 रुपए। अरे 20 रुपए बढ़ा दिया, 70 रुपए कर दिया यहाँ पर। ये पहाड़ में नैनीताल जाएंगे तो वहाँ पे रास्ते में। हाँ, अभी कभी नैनीताल चलेंगे, पहाड़ों पर चलेंगे तो सब आइटम लेकर चलेंगे, सिलेंडर वगैरह, तो वहीं बनाएंगे खाएंगे मैगी। वहाँ बहुत महंगा मिलता है मैगी। हर्षित पंखा चला रहा है, देखो मजा ले रहे हैं पूरा हर्षित भाई भी। तो यहाँ बन रही है मैगी और चल रहा है देसी पंखा और इनका चल रहा है डांस। देखिए बच्चे डांस कर रहे हैं और जब तक ये मैगी बनती तब तक कोई खेल हो जाए यहाँ पर। कहाँ गया? तो ये देखिए यहाँ बना दिया गया है, कुछ सर्कल बनाया गया है। ये पहले जमाने में, पहले क्या, पहले कुछ साल पहले हम लोग भी खेले हैं। इसका नाम पता नहीं क्या है, एकल दुक्कल बोलते हैं इसको गांव में। लोग ही ज़्यादा बताएंगे कैसे खेल खेला जाएगा। देखो इस तरह से फेंकेंगे और उधर से एक पैर से चल के आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये खेल के दिखाएंगे। हाँ हम भी तो इसे। अरे ये नहीं, ये गलत किए हैं, सब गलत किए हैं। हाँ दोनों तो का। अरे चलो ये भूल गए कैसे होता है। तो अंकित बेटा आ चुके हैं चाय लेकर, तो चाय पैक करा के लाए। अरे वाह, मैगी रेडी हो चुकी है, बनके आ गई है जी। अरे वाह, क्या कलर आया है मैगी का, एकदम ग्रेवी वाली मैगी है। तो देखिए गर्मा गर्म मैगी निकाली जा रही है प्लेटों में। मिस्टी इधर आ जाओ बेटा, सबके लिए निकाल दो भाई। तो देखिए सारे लोग मैगी खा रहे हैं, बताओ मैगी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी। और आपको? एक नंबर। एक नंबर। और आपको अच्छी लगी? आंटी जी ने बनाया है। बताओ पालू कैसी लगी मैगी? अब हम दोनों बनाए, आप लोग बताओ कैसी। हाँ हमें तो अच्छी लगी। तो मैगी खा रहे हैं सभी लोग और मैगी के साथ साथ यहाँ पर संगीत का भी प्रोग्राम रखा गया है। देखिए हर्षित भी कुल्हड़ में चाय पी रहा है। तो संगीत का प्रोग्राम रखा गया है, बढ़िया देसी संगीत आपको सुनाएंगे हारमोनियम पे। तो अभी हमारे कलाकार आ गए हैं चाचा जी, उनको अभी दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर हमारे जो हैं माली चाचा ले आए हैं हारमोनियम और इसको बढ़िया संगीत सुनाएंगे हमको। चाचा तुम सांप वाला बजा रहे हैं, सांप आए जी हैं यार, तुम आफत करते हो। सांप आवे लगे यार। अच्छा तो कोई ऐसा धुन बजाओ जो सांप आप ना आए। चाहे गंगा जी का तट हो, जमुना या बंसी बटा हो, चाहे सामरा निकट हो, जब प्राण तंसे तो दोस्तों मैगी के साथ साथ देखिए संगीत का भी आनंद लिया जा रहा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जी। तो विशाल जी भी हमारे आ चुके हैं, आइए सर, आप ही का इंतजार था। तो विशाल भाई को हम फोन करके बुलाए हैं अभी। तो देखिए यहाँ म्यूजिक के साथ आपको बढ़िया जो है खाने को मिलेगा मैगी। देखिए परी जो है म्यूजिक बजाना सीख रही है, हारमोनियम। और सुनिए सबसे बड़ी बात, तो दोस्तों हम लोगों ने जो है बाग में आम भी खा लिए हैं, मैगी भी खा लिए हैं, चाट भी खाई है, चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, कुरकुरे खाए हैं और आज पूरा दिन सब लोग बहुत इंजॉय किए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो कुछ इस तरह की है लोकेशन चाचा के बाग के पास की। देखिए यहाँ पर इनकी बाग है ये, और इधर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त। और रास्ते देखिए, रास्ते देखिए एकदम जंगल के रास्ते हैं और इसी जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है इस बाग में। हम लोग यहाँ आए थे, अब चल रहे हैं घर। ये पीछे।